कि जब तक मैं आपको बता दूं, जब तक मेरे नजदीक कोई नहीं आता है तब तक हमको मरता हुआ सांड समझते हैं। जब तक कोई हमारे नजदीक नहीं आता है तब तक लोग हमको मरता हुआ सांड समझते हैं, जब नजदीक आता है तो दुधारू गाय मिल जाता है। बीजेपी ने अरविंद राजभर जो उनके बेटे हैं उनको घोसी सीट पर उतारा है, और लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की बड़बोले बयान ओपी राजभर दे रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी उनको फटकार लगाती हुई नजर आए। हो सकता है कि क्योंकि एक सीट की बात है, कोई बहुत बड़ी बात राजभर को जिस तरह से उन्होंने प्रमोट करके आगे बढ़ाया है, मुझे ये बात कहने में भी गुरेज नहीं होता कि बीजेपी जो तमाम तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कह सकते हैं आरजेडी के ऊपर परिवारवाद की बात करती हुई नजर आती है, यहाँ पर उसको परिवारवाद दिखता नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। इस बार 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें, क्या उत्तर प्रदेश में उनकी सहयोगी पार्टियां बढ़ाती हुई नजर आएंगी? क्या सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को 400 पार की बजाय 300 पार भी नहीं करने देंगे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एनडीए के साथ कई दल जुड़ते हुए तो नजर आ रहे हैं, कई पार्टियों को छोड़कर कई एनडीए का हिस्सा भी बन रहे हैं, लोकसभा सीटें भी दी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बयानों के आधार पर बगावती सुर पनपते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुखरता की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर नजर आते हैं। वो ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, साथ में मिलकर विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं, एनडीए का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं और उसके बाद कैबिनेट में मंत्री बनने की मांग करते हुए देखे जाते हैं। मंत्री बन भी जाते हैं लेकिन जैसे ही कैबिनेट में मंत्री बनते हैं तो अपना रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं कि योगी सरकार में मैं मंत्री हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसका उदाहरण एक वीडियो के माध्यम से भी देखा जा सकता है, क्या कुछ ओपी राजभर कहते हुए नजर आ रहे हैं देखिए जरा। हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ रहेगी, मैं ही आपको वचन देता हूं, हम तो रहेंगे मंत्री, पूरी सरकार आपके आपके एक निर्देश पर, हम मुख्यमंत्री जी से भी आपको काम कराने की हैसियत में हम रहते हैं और कराऊंगा। ऐसा नहीं कि हम सबको इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन आधी आबादी के लिए बोल रहा हूं, आधी आबादी में आपका भी परिवार तो आता है कि नहीं आता है, तो सबकी बात हो रही है, भरम में मत रहिएगा। जैसा कि आपने सुना ओपी राजभर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं मंत्री हूँ और मंत्री होने के नाते इतनी हैसियत तो रखता हूँ कि मैं योगी सरकार से कोई भी काम करवा सकता हूँ। अगर आपकी समस्याएं हैं तो योगी सरकार को यहाँ पर उनकी समस्याओं को सुनना भी पड़ेगा और उनके लिए मैं उन्हें विवश भी कर सकता हूँ। ये बातें ओपी राजभर द्वारा कही तो जा रही हैं लेकिन बातों के आधार पर बगावती सुर भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। क्या ये सुर लोकसभा सीट उतनी ना मिलने को लेकर है या फिर अपने ही बेटी की सीट पर खतरा मंडरा रहा है, ये वजह हो सकती है? दरअसल ओपी राजभर कम से कम 2 से 3 सीटों की मांग कर रहे थे लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो एक ही सीट पर सिमट जाते हैं, वो है घोसी, और घोसी से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आते हैं। इसी बीच में ओपी राजभर के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, बीएसपी के प्रत्याशी, अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी जब मैदान में उतर रहे हैं तब कहीं ना कहीं अरविंद राजभर को भी खतरा सताता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ओपी राजभर के बयान हाल ही की बात करें, एक्टिव हो जाते हैं, एक बयान पहले आया जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे थे, एक बयान फिर आता है जब वो कहते हैं कि मंत्री हूं, इतनी हैसियत रखता हूं कि मैं काम निकलवा सकता हूं, यानी कि वो झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई ओपी राजभर के आगे झुक चुकी है या फिर मजबूरी में उनकी बातों को मानती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ओपी राजभर के बारे में जब भी बात होती है कि बीजेपी के साथ में जो गठबंधन हुआ है उसमें देखिए बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 2022 का वक्त था जब वहाँ यूपी के अंदर विधानसभा का चुनाव का दौर था, सपा के साथ जो है ओपी राजभर का गठबंधन था, वहां पर किस किस तरह की बयानबाजी उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी के खिलाफ की थी, किसी छुपी बात नहीं, आज भी बहुत सारे वीडियो जो है वो उपलब्ध है। तो ऐसे में
ओपी राजभर जैसे नेताओं का बिल्कुल ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जहां फायदा दिखता है वहां पर इनका पल्ला जो है झुकता हुआ दिखाई पड़ता है, ये स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि जिस तरह की भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया था बीजेपी के खिलाफ कि मैं भीख मंगवा दूंगा, मैं ऐसा करवा दूंगा और तमाम तरह के बयान, लेकिन जब मौका आता है तो अखिलेश यादव से दामन छुड़ाते हैं, बीजेपी के खेमे में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी निकल कर सामने आ रही, जो आपने वीडियो सुनवाया, ये बताता है अपने आप में कि ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मेरा जो रुतबा है वो योगी सरकार में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ताकतवर में नेता हूं। आपको याद होगा कि जब नए नेता जो मंत्री बने थे उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि भाई पीला गमछा डाल के आप पहुंच जाइए, कोई भी थाने में आपके लिए कुछ नहीं कहेगा। वहीं जब इनके जिलाध्यक्ष को वो थानेदार पीटता है तब इनके ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मेरे ऐसे कोई सरोकार नहीं, मैं जानता भी नहीं हूं। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं ओपी राजभर को बहुत हल्का नेता बनाती हैं। और यही बात है कि जिस तरह से बीजेपी ने अरविंद राजभर जो उनके बेटे हैं उनको घोसी सीट पर उतारा है, और लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की बड़बोले बयान ओपी राजभर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी उनको फटकार लगाती हुई नजर आए। और हो सकता है कि क्योंकि एक सीट की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जहां पर ओपी राजभर से बहुत इंपैक्ट पड़ रहा हो, तो यहां पर अगर ओपी राजभर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो बीजेपी हो सकता है कि उनको सबक सिखाते हुए घोसी सीट पर अपना प्रत्याशी उतारकर उनको बाहर का रास्ता दिखाती हुई नजर आ जाए। सर, अरविंद राजभर की बात करें, समाजवादी पार्टी के टिकट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बात करें तो वो कद उनका नजर नहीं आता, क्योंकि जैसे ही टिकट मिला वैसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। घोसी की जनता खुद अरविंद राजभर को पसंद नहीं कर रही, तो कैसे कह दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है क्या वो वापस लेने के लिए मजबूर अभी भी हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम घोसी की बात करें तो अंतिम चरण में चुनाव है, अभी भी मौका है, अभी भी कोई नामांकन दाखिल तो नहीं हुआ, उनका ये जरूर कहा गया कि भाई ये लड़ेंगे चुनाव, लेकिन जिस तरह की हरकत करते हुए ओपी राजभर नजर आ रहे हैं, हो सकता है बीजेपी कोई बड़ा एक्शन लेते हुए दिखाई पड़े। लेकिन देखिए, अरविंद राजभर को जिस तरह से उन्होंने प्रमोट करके आगे बढ़ाया है, मुझे ये बात कहने में गुरेज नहीं होता कि बीजेपी जो तमाम तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कह सकते हैं आरजेडी के ऊपर परिवारवाद की बात करती हुई नजर आती है, यहाँ पर उसको परिवारवाद दिखता नहीं, ये अपने आप पहनाने की बात हो जाती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अनुप्रिया पटेल की बात आप करिए, आप बिहार में जाइए, चिराग पासवान देख लीजिए, माचिस देख लीजिए, तो कहने का अर्थ यही है कि किस तरह से बीजेपी राजनीति को घुमाती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में ओपी राजभर को घुमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह से ओपी राजभर अपने आप को बहुत बड़े कह सकते हैं कि नेता साबित करने का कह सकते हैं इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो उसका कोई आधार नहीं, कोई तर्क नहीं है। इसीलिए हर जगह आप देखेंगे कि मीडिया के जो लोग हैं वो भी जब उनसे सवाल करते हैं तो बहुत हल्के सवाल करते हैं, कई बार वो गुस्सा भी हो जाते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि उनके अपने बयानों के ऊपर खुद काबू नहीं है। जो ओपी राजभर कह सकते हैं 2-2.5 साल पहले तक कह रहे थे कि मोदी योगी को भीख मंगवाएंगे, वही आज उनके पहलू में बैठे हुए वही कहते हैं आज योगी से बड़ा कोई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये जिस तरह की भाषा शैली, जिस तरह की बयानबाजी है और जिस तरह से उनकी राजनीति करने का ढंग है, वो ये बताता है कि अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होंगे। और देखिए, बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने कहीं ना कहीं साबित भी कर दिया है कि जहां उनको फायदा मिलेगा वो वहां पर झुकते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ओपी राजभर सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हुए नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। यहाँ पर अपने बेटे को सदन में पहुंचाना है और कहीं ना कहीं अपने ही बेटे को आगे करते हुए ओपी राजभर नजर भी आ रहे हैं। मंत्री खुद बन जाते हैं, सांसद बनाने की कोशिश अपने बेटे को कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई बन पाते हैं या टिकट अभी भी यहाँ पर घोषित की बात करें अरविंद राजभर से छिनता हुआ नजर आ सकता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।